दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिन में ही राजस्थान में तकरीबन 600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। शनिवार सुबह 91 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा जयपुर जेल से सामने आया है, जहां 48 कैदी संक्रमित पाए गए, जिसके साथ जयपुर में कुल 55 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही डूंगरपुर में 21, उदयपुर में 9, सिरोही में 2, कोटा, झुंझुनू, भरतपुर और अजमेर में 1-1 कोरोना का संक्रमित मिला है। इसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा राजस्थान में 4,838 पर पहुंच गया है। इनमें से कुल 2,772 लोगों को रिकवर भी कर लिया गया है, जिसमें से 2,467 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब राजस्थान में सिर्फ 1,941 एक्टिव केस ही बचे हैं। वहीं राजस्थान के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में यहां कोई नई मौत नहीं हुई है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें जयपुर में 67, जिसमें 4 उत्तर प्रदेश से हैं, जोधपुर में 17, कोटा में 10, अजमेर में 5, पाली और नागौर में 3-3, करौली, अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर और भरतपुर में 2-2, जालौर, बांसवाड़ा, चूरू, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक में 1-1 की मौत हो चुकी है। वहीं अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर के दरगाह बाजार के मुस्लिम मोची मोहल्ले के बाद अब शहर से सटे भावता गांव में कोरोना विस्फोट का डर बन गया है। इस गाँव से पिछले 72 घंटे में 6 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगले 2 से 4 दिन में महाराष्ट्र, MP, गुजरात सहित कई दूसरे प्रदेशों से सैकड़ों प्रवासी मजदूर वापस गांव आने वाले हैं। ये सभी अलग अलग रास्तों और साधनों से गांव पहुंचेंगे। ऐसे में इन पर निगरानी रखना चिकित्सा विभाग और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को अजमेर जिले में 5 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भावता गांव से 2, नूरियावास, नसीराबाद के राजनारायण रोड और अजमेर शहर के आदर्श नगर से 1-1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को पॉजिटिव मिले 5 मरीजों में से 4 हाल ही में यात्रा करके घर पहुंचे थे, जबकि 1 बाहर से आने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ है। शुक्रवार को नूरियावास गांव में पहला कोरोना संक्रमित मिलने से चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर हो गया है। चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी चुनौती गाँव में पॉजिटिव मरीजों के मिलने को मान रहा है। विभाग को यह आशंका भी है कि गाँव कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में जिले भर में प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं। रास्ते में उनके संक्रमित होने और गांव में उनसे संक्रमण फैलने का बहुत बड़ा डर बन गया है। विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने के साथ ही बाहर से आने वाले हर शख्स की सूचना देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कहा है। कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को अजमेर के लिए एक सुखद खबर भी आई है। जेलेन अस्पताल के COVID-19 वार्ड से ठीक होने के बाद 2 सप्ताह से तबीजी स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले 35 लोगों को शुक्रवार को उनके घर भेज दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि हॉटस्पॉट और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाए। केवल उन्हीं लोगों को क्वारंटाइन करें जिनमें सर्दी, खांसी या जुकाम के लक्षण पाए जाते हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों से जैसे भिवाड़ी और नीमराणा आदि में प्रतिदिन की व्यवसायिक गतिविधियों के लिए आने वाले दूसरे राज्यों के उद्यमियों एवं श्रमिकों को भी क्वारंटाइन नहीं करने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है। कल के बाद हमारे पास में 4 नए पेशेंट और आए हैं, उसमें से 1 पेशेंट जो है वो पहाड़गंज का युवक है, 35 वर्षीय, 1 महिला कड़क्का चौक निवासी नया बाज़ार की महिला हैं और 2 पेशेंट जो हैं वो बॉम्बे से ट्रैवलर हैं, आदर्श नगर निवासी हैं, 55 वर्षीय और करीब 65 वर्षीय। ये चारों मरीज हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिए हैं, चारों स्वस्थ हैं। इसमें तो स्वस्थ से मतलब कि उनको कोई विशेष कोई लक्षण नहीं है। और इस तरह से कुल मिला के आंकड़ा अभी JLN में हमारा 254 का हो जाता है। अच्छी खबर ये है कि आज हम 32 मरीजों को 2 सैंपल नेगेटिव आने के बाद उनको कोरोना फ्री डिक्लेयर करके और यहाँ से क्वारंटीन सेंटर भेज पाएंगे। तो इस तरीके से हमारी संख्या आज पहली बार 100 से कम एक्टिव केस की रह जाएगी, करीब करीब
टोटल कैलकुलेशन करनी बाकी है, लेकिन शायद 90 पेशेंट के आसपास अब एक्टिव केस हमारे रह जाएंगे इस तरीके से। तो ये एक अच्छी खबर है अजमेर के लिए कि एक्टिव केसेस की संख्या घट रही है। नए केसेस इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन वो सारे केसेस कॉन्टैक्ट के हैं या सारे केसेस ट्रैवलिंग के हैं। जैसे ये दोनों जो आए हैं आदर्श नगर निवासी लोग हैं, ये बॉम्बे से ट्रैवल होकर राजधानी से कोटा आए, कोटा से ट्रैवल करके टैक्सी में यहाँ अजमेर आए। तो ट्रैवलर्स से हमें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से सभी अजमेर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके पड़ोस में, आपके घर में कोई भी व्यक्ति बाहर से कहीं से आया है, विशेष रूप से राज्य से बाहर से कहीं से आया है, तो उसे निश्चित रूप से होम आइसोलेट होना है। होम आइसोलेशन का जो मतलब है वो ये कि घर के किसी ऐसे कमरे में बिल्कुल अलग रहें जहां पर सेपरेट टॉयलेट बाथरूम हो, उसको कमरे से बाहर नहीं निकलना है। उसे 24 घंटे जब वो किसी के कॉन्टैक्ट में रहता है तो उसे मास्क पहन के रहना है। घर के सभी लोगों को उसे कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। अगर उनको खाना वाना सर्व कर रहे हैं तो अपने बर्तन वो जो भी हैं सज्जन खुद साफ़ करें और वो साफ़ करके कमरे के बाहर रखें। उनके कमरे में लोगों का आना जाना बिल्कुल ना हो। उनको स्वयं को अपने टॉयलेट की सफाई करनी चाहिए, उनको स्वयं को अपने कमरे की सफाई करनी चाहिए। बिल्कुल लोगों से मिक्सअप नहीं हो, मोहल्ले में सवाल नहीं कहीं इधर उधर जाने की। अगर आप ऐसा रखेंगे तो कोरोना स्वतः ही ठीक हो जाएगा। न किसी दवा की ज़रूरत है, न किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डरने की ज़रूरत है वो ये कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर आप युवक हैं, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप कम उम्र के लोग हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन भगवान न करे आपके परिवार में कोई बुज़ुर्ग सज्जन हैं, बुज़ुर्ग महिला हैं या कोई मरीज ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ से, कैंसर से, ब्लड प्रेशर से, COPD से ग्रसित हैं, तो उनको निश्चित रूप से तकलीफ़ हो जाएगी। अगर आप उनका खैर चाहते हैं, अगर आप उनका भला चाहते हैं, तो अगर आप बाहर से आए हुए हैं तो अलग, बिल्कुल अलग रहें, जिसको हम होम आइसोलेट करते हैं। और अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो अस्पताल में आ जाइए, हम भर्ती करेंगे, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन घर में दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं होने दीजिए।